हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन लाइव क्लासेस। बच्चों, पिछली क्लास में हमने जो गुणनखंड है वो अपने जो विधि थी हमारी वो थी मध्य पद को उत्पन्न करने की विधि, उसे हमने हल किया था गुणनखंड। आज की इस जो क्लास है उसमें हम गुणनखंड तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, हम एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग देना सीखेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, निम्न को विभाजित कीजिए। अट्ठाईस अस्सी का चार भाग छप्पन अस्सी। सबसे पहले हम आसान वाले जो क्वेश्चन होते हैं भाग देने के, वो लिख कर चलते हैं। पहले ये आपका बच्चों एक पदी है, आपका ये कितना पद का है बहुपद, ये एक पदी है और ये भी क्या एक पदी। तो आप यूं कह सकते हो एक पदी बहुपद में दूसरे एक पदी का भाग देना आपको। तो जब एक पदी में हमें भाग देना है तो किस टाइप से हमें भाग देना सीखे हो, सबसे पहले हमें भाग का जो चिन्ह है वो बट्टे की लाइन में कन्वर्ट करना है। अट्ठाईस अस्सी का चार में हमें भाग लगाना है छप्पन अंशा। तो जो हमारा अट्ठाईस अस्सी का चार है बच्चों वो हमारा भाज्य है, छप्पन अंश हमारा भाजक है। अब हमें भाग देने में यहाँ पर किन किन बातों का ध्यान रखना वो ये समझिए कि जब हमें बहुपदों या बीजे व्यंजकों के भाग करने होते हैं तो वहाँ पर चर राशियों का समावेश होगा आपका, ठीक है। और चर राशियों का समावेश होगा तो वहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जितनी आपकी पावर है यहाँ पे उतनी उसको आपको अपने लिखना है। जैसे अस्सी का चार है तो आपको उसको चार टाइम लिखना है, अस्सी का एक है तो आपको उससे एक बार लिखना है, अस्सी का दो है तो उससे दो बार लिखना है। बाकी जो उनके साथ में संख्याएं होती है उनके आपको गुणनखंड करने रब को भी गुणनखंड करने। जैसे अट्ठाईस की अगर मैं साइड में करके बताऊँ गुणनखंड, तो दो का इसमें देंगे पहले चौदह बार, दो का देंगे सात बार, फिर सात का दो, तो इसके गुणनखंड क्या क्या आए, दो गुणा सात। और अस्सी का चार को मेरे को उसको चार टाइम लिख के गुणा में छप्पन अक्ष को मैं यहाँ पर छप्पन की अगर गुणनखंड दे दूँ तो छप्पन में दो का जाएगा अट्ठाईस बार, और फिर अट्ठाईस में जो प्रोसीजर हुआ था वो हम लिख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर दो कितनी बार आया था, दो बार, एक दो ये हो गया, तो कितनी बार हो गया दो, तीन बार, तो इंटू सात और ये अस्सी का एक। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें कट रही है, ऊपर जो उनको काट रहे हैं, सात से सात कट गया, दो से ये दो कट गया, दो से ये दो कट गया और अक्ष से एक अक्ष कट गया। तो कटने के बाद में जो ऊपर बचा है और जो नीचे बचा उसको लिख देते हैं एक बार, अक्ष यहाँ पर तीन टाइम बचा है तो इसका मतलब आप लिखोगे अक्षी घाते तीन, अक्ष तीन टाइम बचा अक्षी घात तीन, और नीचे हर में जो बचा आपका वो दो, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भाग जो आया है वो आपको कितना है, अक्ष क्यूब अपॉन टू, अक्ष क्यूब अपॉन टू यहाँ पर इसका आंसर है भाग देने पर, जो भाग पर आया उसका मान। ये आपका एक पति में एक पति का भाग देने का प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, माइनस छत्तीस वाई के रूप में भाग लगाना आपको नौ वाई स्क्वायर, इसका भाग लगाना बच्चों नौ वाई स्क्वायर का भाग लगाना माइनस छत्तीस वाई के रूप में वाई के रूप में। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि यहाँ भाग का चिन्ह है वो बट्टे की लाइन में कन्वर्ट कर देना है। तो माइनस छत्तीस वाई को भी आपका भाज्य हो गया, नौ वाई स्क्वायर ये आपका भाजक हो गया, और आपको क्या करना है यहाँ पे कि भाज्य और भाजक है उनके गुणनखंड करने, छत्तीस के आपको गुणनखंड साइड में करके यहाँ पर देख लें, दो का भाग छत्तीस में अठारह बार, दो का भाग अठारह में दो बार, फिर तीन का दिया और फिर तीन का दिया, तो यहाँ दो आपका आया दो बार और तीन आया आपका दो बार, इंटू वाई क्यूब है तो वाई को तीन बार लिखे गुना में, नो है तो इसको तीन गुना तीन और वाई स्क्वायर को वाई गुना वाई, वाई से वाई कटा, वाई से वाई कटा, तीन से तीन कटा, तीन से तीन कटा, ऊपर क्या बचा नीचे क्या बचा आपको भी देखना, ऊपर आपका दो गुना दो बच्चों चार और इंटू वाई यानी चार वाई बचा, नीचे कुछ नहीं बचा। इसका मतलब है कि आपका यहाँ पर भाग है वो कितनी बार गया, चार वाई बार गया है, तो चार वाई आपका बच्चों इसमें क्या है आंसर है या भाग है। यह आपके एक पति में एक पति का भाग देने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौतीस एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब भाग लगाना इक्यावन अक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब। ये सारे के सारे अभी जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं वो एक पति का एक पति में भाग के हैं, ये भी आपका एक पूरा पद एक पद हो गया, ये भी एक पद हो गया, तो एक पति का एक पति में भाग देना है। तो प्रोसीजर क्या है, चौतीस अक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब और बट्टे में इक्यावन अक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब, ये हमें सबसे पहले लिख लेना है। उसके बाद में चौतीस के गुणनखंड इक्यावन के गुणनखंड हमें करना है। चौतीस में आप दो का दो के सत्रह बार, सत्रह का सत्रह में एक बार,
34 को लिखा जा सकता है 2 × 17 अक्स क्यूब को, अक्स को 3 बार, वाई को भी 3 बार और जेड को भी 3 बार आपको गुणा में, अक्स को 3 बार हो गया, जेड को भी आपको 3 बार लिख के गुणा करना है। इक्यावन को आप बच्चों दो का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा 17 बार, 17 में फिर आपका 17 का जाएगा, तो 3 × 17 गुणा अक्स गुणा वाई स्क्वायर को वाई गुणा वाई गुणा जेड क्यूब को जेड गुणा जेड गुणा जेड। अब देखिए जेड आपका 3 बार है नीचे और ऊपर भी 3 बार कट जाएगा, वाई आपका ऊपर 3 बार है नीचे 2 बार है तो 2 बार कट जाएगा, अक्स ऊपर 3 बार है अक्स या नीचे 1 बार कट जाएगा, 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चा क्या वो लिख देते हैं एक बार, 2 × अक्स × अक्स × वाई, ये यहाँ ऊपर बचा पट्टे में, क्या बचा आपके पट्टे में केवल और केवल 3 रह गया, बाकी चीज़ें कट गई है, तो ऊपर गुणा करने पर आ जाएगा 2 अक्स² y बट्टे में आ जाएगा 3। तो यह आपका इस सवाल का आंसर है 2 अक्स² y बट्टे में 3। तो इस टाइप से हमें एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग लगाना होता है, यानी एक पति में एक पति का ही भाग ले रहे हैं। एक ही उसे और समझिए इसमें 12 a की पावर 8 b की पावर 8 भाग लगाना आपके बच्चों -6 a की पावर 6 b की पावर 4 का। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे ये कितने पद गए, ये भी एक पद गए, ये भी एक पद गए, तो एक पति का एक पति में भाग देने पर तो 12 a की पावर 8 b की पावर 8 भाग के जिनको बट्टे में कन्वर्ट करो -6 a की पावर 6 b की पावर 4। अब देखिए कि 12 को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, गुणा में कैसे लिख सकते हैं, 2 का देंगे 6 बार, 2 का देंगे 6 3 बार 3 बार, तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। क्लियर, ए की पावर 8 का मतलब है ए को आपको 8 बार गुणा में लिखना है, बी की पावर 8 का भी मतलब आपको इसको 8 बार गुणा में लिखना है, ये आपका ए हो गया 8 बार, कितनी बार हो गया 8 बार। अब बी को भी आपको 8 बार लिखना है, और बट्टे में माइनस का 6 है तो 6 को आप क्या लिखोगे 2 × 3 आगे माइनस का 6, ए की पावर 6 तो ए को 6 टाइम और बी की पावर 4 तो बी को आपको 4 टाइम। अब देखिए जो चीज कट रही है उसको कैंसिल कीजिए, 2 से 2 कटा 3 से 3 कटा और ए आपको कितनी बार कट रहा है उतनी बार काट दीजिए, बट्टे में ए 6 है तो 6 के 6 पूरे कट जाएंगे, ऊपर है आपके 6 कट जाएंगे तो 2 रह जाएंगे, बी ऊपर 8 है नीचे 4 है, 4 है तो ऊपर से आपको 4 ये बी है तो नीचे वाले 4 नीचे काट देंगे। तो बच्चा क्या आपके आपके यहाँ पर बच जाएगा बच्चों, ऊपर 2 बच जाएगा और जो है इसके अलावा जो बच जाएगा वो है आपका 1 × a बच जाएगा और बी की पावर 4 यानी बी 4 बार है वो बच जाएगा। बट्टे में क्या बचा आपके, तो बट्टे में देखिए आपके माइनस का चिन्ह मतलब माइनस का एक बचा नीचे, यहाँ आपको गुणा कीजिए तो 2 a² b की पावर 4 बट्टे में -1 भाग लगाएंगे तो आ जाएगा -2 a² b की पावर 4, ये आपका इसका क्या है भागफल, आंसर कह सकते हो या भागफल कह सकते हो। तो ये है बच्चों आपका एक पति में एक पति बहुपद का ही भाग देने का तरीका। अब हम आगे जो है वो लेते हैं जब एक पति बहुपद जो है वो भाजक है, लेकिन भाज्य है वो एक पति नहीं है, वो द्विपदी है आपका या त्रिपदी है, तो उस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने भाजक एक पति लिया लेकिन भाज्य भी एक पति था, अब हम भाजक को तो एक पति रख रहे हैं लेकिन जो हमारा भाज्य है वो एक पति नहीं होगा, तो हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न को विभाजित कीजिए, इसमें पहला है 5x² - 6x, इसमें भाग लगाना आपको किसका 3x का, इसका भाग लगाना बच्चों 3x का भाग लगाना है। तो इसमें भाग लगाने का तरीका समझिए, जब भी आपको एक पति भाजक का भाग लगाना है और भाज्य आपका एक पति नहीं है तो आपको तरीका समझना है क्या है तरीका, तो 5x² - 6x जो है इसके बट्टे में भाग के चिन्ह को बट्टे की लाइन बना के बट्टे में 3x लिख दो। अब क्या करना है बच्चों, अब भाजक चूंकि एक पति है और भाज्य आपका एक पति नहीं है तो आपको दिमाग में एक लाइन रखनी है कि भाजक का जो भाग है हर एक पद में लगा दो, भाजक का भाग क्या कर दो हर एक पद में लगा दो, जैसे 3x भाजक है तो इसका भाग भाज्य के हर एक पद में लगा देंगे, 5x² में भी 3x का भाग लगाएंगे, 6x में भी 3x का भाग लगाएंगे। देखिए 5x² को
मैं अभी जो मैंने बताया था कि 5 अक्ष स्क्वायर में भी 3 अक्ष का भाग, 6 अक्ष में भी 3 अक्ष का भाग। अब अभी जो एक पति में भाग देने का तरीका था वो तरीका वापस से रिपीट होगा। तो 5 अक्ष स्क्वायर में हम 3 अक्ष का भाग लगा रहे हैं, अक्ष स्क्वायर 2 अक्ष, इसको 3 गुना अक्ष, इसमें 6 को 2 गुना 3 और 1 अक्ष, 3 को 3 गुना 8, अक्ष से अक्ष कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, अक्ष से अक्ष कट जाएगा, कितना आ गया 5 अक्ष बट्टा 3 माइनस कितना आ गया 2 बट्टा, सॉरी 2 ही बचा आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे तो 2 बचा है। तो ये आपका इसका भाग में आप कह सकते हो आंसर है आपका 5 अक्ष बट्टा 3 माइनस 2। एक पदी भाजक हो और भाज्य आपका एक पदी नहीं हो तो भाग देने का तरीका है कि आप भाज्य के प्रत्येक पद का भाग भाज्य के प्रत्येक पद में लगा दीजिए और फिर वही रूल पीछे वाला लागू कर दीजिए। सेकेंड क्यूब से समझिए, अक्स क्यूब प्लस 2 अक्ष स्क्वायर प्लस 3 अक्ष, भाग लगाना आपको इसमें 2 अक्ष का, इसका भाग लगाना है 2 अक्ष का। तो कैसे करना है, सबसे पहले अक्स क्यूब प्लस 2 अक्ष स्क्वायर प्लस 3 अक्ष इसको लिखते हुए बट्टे में इसमें लाइन खींच के बट्टे में 2 अक्ष। अब इसके प्रत्येक पद में इसका भाग लगाना है भाजक का, जैसा मैंने बताया था कि भाजक एक पति और भाज्य बहुत सारे पद को अपने, तो हमें हर एक पद में भाग लगाना है। तो अक्स क्यूब में हम भाग लगाएंगे 2 अक्ष का, प्लस का चिन्ह प्लस का, तो 2 अक्ष स्क्वायर में भी 2 अक्ष का, 3 अक्ष में भी 2 अक्ष का। अक्स क्यूब में नाम लिख सकते हैं अक्स गुना अक्ष गुना अक्ष, और 2 अक्ष को हम लिख सकते हैं 2 गुना अक्ष, 2 अक्ष स्क्वायर को 2 गुना अक्ष गुना अक्ष, और 2 अक्ष को यहाँ 2 गुना अक्ष, प्लस 3 अक्ष को 3 गुना अक्ष, और बटे में 2 गुना। ये देखिए अक्ष से अक्ष कट जाएगा और कुछ नहीं कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, अक्ष से अक्ष कट जाएगा, फिर अक्ष से अक्ष कट जाएगा, 3 और 2 नहीं कटेगा, जो बच्चा उसको लिख देते हैं यहाँ अक्ष स्क्वायर हो गया बट्टे में 2, यहाँ अक्ष बच गया और यहाँ पर 3 बट्टा। तो ये आपका क्या है, इसका भाग कर लिया, आप कह सकते हो इसका आंसर कर लो। थर्ड क्वेश्चन समझिए, इसमें P2 2 की पावर 6 माइनस P की पावर 6 2 की पावर 3, और भाग लगाना आपको P2 2। तो ये भी यहाँ पर भाजक एक पद है और भाज्य आपके 2 पद है, इसमें कितने पद है 2 पद, 2 यहाँ पर पद गिनने की आवश्यकता नहीं। आपको ये देखना है कि आपका भाजक अगर एक पद है तो उसका भाग हमेशा भाज्य के हर एक पद में लगाना चाहे वो कितने पद हो। तो P2 2 की पावर 6 माइनस P की पावर 6 2 की पावर 3, भाज्य को लिखो बट्टे की लाइन खींचो फिर भाजक को लिखो। तरीका क्या है, भाज्य को लिखो बट्टे की लाइन खींचो भाग की जगह और फिर भाजक को लिखो। अब इसके हर एक पद में इसमें भाग लगाएगा, तो P3 2 6 और P3 2 3 भाग लगा के माइनस P की पावर 6 2 की पावर 3 बट्टे में P की पावर 3 2 की पावर 3। अब देखिए P की पावर 3 का मतलब है P को 3 बार लिखना है आपको गुणा में और क्यू को लिखना है आपको 6 टाइम। क्यू को कितनी टाइम लिखना है 6 टाइम, बट्टे में कितना आएगा P 3 टाइम और क्यू भी 3 टाइम। फिर समझे माइनस का चिन्ह है, पी को आपको 6 बार लिखना है और क्यू को आपको 3 बार, पी को आपको 3 बार लिखना है और क्यू को भी 3 बार। अब देखिए जो चिप कट गए उसको काटो, पी से पी ये 3 पी कट गए, क्यू यहाँ पर 3 है वो कट गए आपके, और यहाँ पर पी आपके 3 है वो कट गए, और क्यू आपके कितने हैं 3, वो आपके यहाँ पर ऊपर वाले से कट जाएंगे। तो जो शेष बचा उसको लिख लीजिए एक बार, वो कट दो आपका क्यों गुना क्यों गुना क्यों बचा और माइनस का चिन्ह, और यहाँ पर जो बचा आपका बच्चों को P गुना P गुना P। तो क्यों क्यूब हो जाएगा और ये पी क्यूब हो जाएगा, ये आपका क्या रहेगा यहाँ पे भाग कर लगेगा, कितना भाग कर लाया आपका भाग कर लाया क्यू क्यूब माइनस पी क्यूब। आज का अंतिम भी उसे समझिए, 3 अक्ष की पावर 8 माइनस 4 अक्ष की पावर 6 प्लस 5 अक्ष की पावर 4, और भाग लगाना आपको इसमें अक्ष की पावर 4 का, अक्ष की पावर 4 का आपको इसमें भाग लगाना है। तो सबसे पहले इसको लिखिए आप 3 अक्ष की पावर 8 माइनस 4 अक्ष की पावर 6 प्लस 5 अक्ष की पावर 4, भाग लगाना आपको अक्ष की पावर 4 का।
3x की पावर 8 बटा x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 6 बटे में x की पावर 4 और 5x की पावर 4 में आ जाएगी x की पावर 4। 3x की पावर 8 में x की पावर 4 का भाग लगाएंगे तो यहां x की पावर 8 को हम लिख सकते हैं x को 8 टाइम x को 8 टाइम लिख दिया हमने और x को x की पावर 4 का मतलब है x को 4 बार, फिर माइनस का चिन्ह 4 गुना x को 6 बार लिखेंगे बट्टे में x को यहां पर 4 बार, फिर 5 गुना x की पावर 4 का मतलब है यहां x को 4 टाइम बट्टे में x गुना x गुना x गुना। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट लिए, यहां पर 4 को x से गुना में वो 4 में 4 कट जाएंगे और यहां पर भी x है वो 4 में 4 वो कट जाएंगे, यहां पर x 4 में 4 हो जाएगा वो कट जाएंगे, तो जो बचा उसको लिख के पहले यहां 3 बचा है और x कितनी बार बचा है 4 बार बचा है, फिर यहां पर माइनस का चिन्ह बचा है और 4 बचा है यहां पे और x कितनी बार बचा है 2 बार बचा है, यहां पर 5 बचा आपको पूरा का पूरा, तो ये हो जाएगा 3 x की पावर 4 माइनस 4 x स्क्वायर प्लस 5, तो ये आपका इसका भाग, तो ये हो जाता है हमारा एक पदी का एक पदे में भाग देना और एक पदी का अपने एक से अधिक जो पद है बहुपद है एक उसमें भाग देने का तरीका। अगली क्लास में बच्चों हम जो है आपके भाज्य और भाज्य दोनों को एक से अधिक पद का लेकर भाग देने का सूत्र से है उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो आज की इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं।